नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो रायगढ़ जिले में 6,350 करोड़ की रेल परियोजना देश को समर्पित करेंगे। इसी के साथ ही तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी करीब 4 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से जिंदल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर में कोड़तराई एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे। यही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर लगभग सहमति बन गई है। इसमें 35 नाम हो सकते हैं। छतरपुर की राजनगर सीट से घासीलाल, छिंदवाड़ा सीट से बंटी साहू का नाम लगभग तय हो गया है। वहीं छिंदवाड़ा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ विधायक हैं। तेंदुखेड़ा, अगर हम बात कर ले, नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नाम आया है, लेकिन ये नाम दूसरी सूची में रखा जाए या नहीं, ये बाद में तय किया जाएगा। बिलासपुर में रेल यातायात बाधित करने वाले कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। वही आंदोलनकारियों पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम की धारा 172 के तहत कार्रवाई की है। बुधवार को आरपीएफ, जेआरपी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेसी स्टेशन के अंदर पहुंच गए हैं और रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे। इस दौरान मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया, साथ ही आरपीएफ और पुलिस से जमकर झूमा झटकी भी हुई। आरपीएफ ने पूरे आंदोलन की वीडियोग्राफी की है, जिसके आधार पर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 25 अस्पतालों को नोटिस। राजधानी रायपुर में डेंगू के इलाज में बड़ा फर्जीवाड़ा फूटा है। पिछले महीने जब तेजी से वायरल फीवर फैल रहा था, तब शहर और आउटर के 25 से ज्यादा अस्पतालों में फीवर के 220 मरीजों को डेंगू पीड़ित बताकर भर्ती कर लिया गया। फिर आयुष्मान योजना के तहत 35,000 के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग से 77 लाख का क्लेम मांग लिया गया। क्लेम देने के पहले स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों से मरीजों की अलाइजिटा टेस्ट रिपोर्ट मांगी, तब फर्जीवाड़ा सामने आया। किसी भी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने रिपोर्ट नहीं दी। वही स्वास्थ्य विभाग ने सच्चाई जानने के लिए जांच करवाई तो पता चला कि 220 में केवल 3 मरीजों का ही एलाइजा टेस्ट करवाया गया था, बाकी किसी का भी कोई टेस्ट नहीं हुआ था और ये फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।